हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेकफेस्ट चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह पेनड्राइव से रिलेटेड डाटा को रिकवर कर सकते हैं पीसी में। तो आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे। हर बार हम टेंशन लेते हैं कि अब पेनड्राइव में से डाटा डिलीट हो गया है, कैसे रिकवर करें, कोई कुछ कर सकते हैं क्या। तो हमारे मन में बहुत बार क्वेश्चन रहता है, तो आज हम इस वीडियो में वही सीखने जा रहे हैं कि पेनड्राइव से रिलेटेड डाटा कैसे रिकवर करेंगे। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे रेड कलर के बटन पे दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की मैं टेक वीडियोस हर दूसरे दिन लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप यहाँ पे इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके वजह से आप हमारे न्यू वीडियोस देख पाएंगे टेक बेस्ड। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आज का वीडियो शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले हमें गूगल पे जाना रहेगा, वहाँ पे सर्च करना रहेगा सर्च बॉक्स में रिक्यूवा। ये रिक्यूवा एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम रिलेटेड डाटा को रिकवर करेंगे। तो सर्च करते ही हमें यहाँ पे पहला ऑप्शन आ जाएगा, इस पहले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिसके मदद से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसे कैसे डाउनलोड करना है। तो आपने फर्स्ट लिंक पर क्लिक किया तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, डाउनलोड फ्री वर्जन, गेट रिकवर प्रो। हम लोग फ्री वर्जन पर चले जाएँगे, इसके प्रीमियम वर्जन पर नहीं जाएंगे, वो पेड रहता है। और फ्री वर्जन भी सेम पेड वर्जन जैसे ही काम करता है। ओके फ्रेंड्स, हम पेड वर्जन फ्री वर्जन ही यूज़ करेंगे। फ्री वर्जन पर क्लिक करते ही यहाँ नीचे आ जाएगा ये फाइल, तो रिक्यूवा फ्री लिखा है, इस फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। फ्री डाउनलोड पर क्लिक करते ही ये नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होगा। तो नेक्स्ट पेज पर आते ही हमें देखिए यहाँ पर रिक्यूवा फ्री लिखा है, यहाँ पर डाउनलोड फ्रॉम फाइलिपो.com और pdform.com। तो हम फर्स्ट वाले पर क्लिक कर लेंगे फाइलिपो.com पर। उस पर हम क्लिक करते ही हमें एक पेज ओपन होगा जहाँ पे हमें डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, जो फाइलिपो की वेबसाइट पे मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे मिल गया हमें ऑप्शन डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, इस पर हम क्लिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें डाउनलोड का साइन दिखेगा। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे हमारी सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लगेगी। ओके फ्रेंड्स, तो हमें इस पर क्लिक करते ही डाउनलोड होने लगेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे डाउनलोड हो जाए, तो जैसे नॉर्मल बाकी सब जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसे, इसे भी वैसे ही सेम एज इट इज़ इंस्टॉल करना है। सेम नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है और ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये ओपन हो गया रिक्यूवा विज़ार्ड। यहाँ पे हमें सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम फाइल टाइप, व्हाट शॉर्ट ऑफ फाइल्स आर यू ट्राइंग टू रिकवर। हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है किस टाइप की हमें फाइल रिकवर करना है। हम ऑल फाइल्स क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं हमें क्या फाइल रिकवर करना है। तो यहाँ पे मैं माई कंप्यूटर में चला जाऊँगा, मैं आपको बता देता हूँ हमें क्या रिकवर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपने माई कंप्यूटर में चला गया हूँ। यहाँ पर मुझे जो मैंने पेन ड्राइव अटैच किया पीसी में उसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे चार फाइल्स हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप से कुछ छोटी फाइल्स इसमें कॉपी करके पेस्ट करूँगा। ओके फ्रेंड्स, और उसे डिलीट करूँगा, फिर उसे रिकवर करने की कोशिश करूँगा। ये मैं आपको करके दिखाऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए मैं तीन चार छोटी फाइलें अलग अलग इसमें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने ये इमेज फाइल क्लिक कर लिया है, एक छोटी वीडियो भी क्लिक कर लेता हूँ, एक ऑडियो फाइल भी और एक नॉर्मली टेक्स्ट फाइल भी। तो मैंने सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। ये चारों फाइल यहाँ पे आ गई, आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी इन चारों को मैं डिलीट भी कर देता हूँ और देखते हैं ये रिकवर होते हैं कि नहीं और सॉफ्टवेयर वाकई काम करेगा कि नहीं इस पर। तो चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये चारों फाइल्स डिलीट हो गई इस पेन ड्राइव में से, अभी नहीं है, इसमें चार पुरानी फाइल्स ही है। तो चलिए अब हमें इसे ही रिकवर करना है। तो यहाँ पे जो लिखा है फाइल लोकेशन, तो हमें इन स्पेसिफिक लोकेशन पे क्लिक करना है और हमें बताना है हमें कहाँ की डिलीटेड फाइल्स रिकवर करनी है। तो हमारा ये पेन ड्राइव है जो जिस पर लिखा है लोकेश एच, उस पर हमें क्लिक करना है और ओके बटन दबाना है, फिर नेक्स्ट करना है हमें। अब यहाँ पे क्लिक स्टार्ट टू बिगिन द सर्च लिखा है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है
ये सर्च हो जाएगा, मतलब डाटा जो भी डिलीट हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। सर्च करते हैं तो ये देखिए डाटा रिकवर हो चुकी है। तो क्लिक करना है इस पर, जस्ट सिंपली क्लिक करना है और रिकवर करना है। तो ये पूछेगा रिकवर के लिए पाथ कौन सा सेलेक्ट करना है, तो वही मैं पेन ड्राइव का सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे डाटा जो भी डिलीटेड था रिकवर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिकवर हुआ है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, डाटा रिकवर हो गया है। यहाँ पे लिखा है ऑपरेशन कंप्लीटेड। तो चलिए हम देखते हैं अब यहाँ पर कि डाटा रिलेटेड रिकवर हुआ है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो भी टेक्स्ट फाइल थी, वो ऑडियो फाइल थी और जो भी वीडियो फाइल थी, यहाँ पे सब रिकवर हो चुकी है। देखा फ्रेंड्स, ये इस तरीके से काम करता है। तो हम अब इजीली डाटा जो भी हमारा डिलीट होता है पेन ड्राइव से, वो रिकवर कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से। अगर इस सॉफ्टवेयर में हम, अगर आपने इसे पहले देखा होगा क्लियर, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर फाइल नहीं मिल रही है तो आपको डीप सर्च पर क्लिक करना है। डीप सर्च पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और आपकी डिलीटेड फाइल 100% मिल जाएगी, और आपके जो पुरानी फाइल्स भी डिलीटेड रहेगी इसमें वो सारी फाइल्स भी मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी तो मैंने 4 फाइलें डिलीट की थी पर इसमें पुरानी फाइल्स भी देखी, इसमें सब साथ में आ गई। तो इस तरीके से काम करता है और बहुत ही हेल्पफुल है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आपको लास्ट टाइम एक बार वापस बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके में बेहतरीन वीडियोस लाता रहता है चैनल पे, टेक्नोलॉजी से बेस्ड, एंड्रॉयड ऐप्स, वेबसाइट, टिप्स एंड ट्रिक्स, अलग अलग डिफरेंट न्यू अपडेट्स मैं इसी चैनल पे हमेशा लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नए वीडियोस आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।